शाय हो रही है। तो चलो जिनी धोनी, आपको कैसा लग रहा है? यश ना, तुमने धोनी को गोदी में कैसे ले रखा है, क्या हो गया? जिनी मतलब मुझे लग रहा है तेरे को देख के ना उसको ना इतनी दिक्कत हो रही है कि जैसे एलर्जी होती है ना वो हो गई है। एलर्जी हो गई है उसको तेरे साथ। सीक्रेट हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज का दिन है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज आई है मेरी मम्मी घर पे, यानी बच्चों की नानी। और बच्चे फुल एक्साइटेड है क्योंकि नानी बहुत टाइम बाद घर आई है, तो बच्चा पार्टी नानी के साथ लीची पार्टी कर रही है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गई है बच्चों की नानी। मम्मी शाय हो रही है। तो चलो जिनी दोरे, आपको कैसा लग रहा है? इन्होंने आप दोनों ने छीली है, तो आपको बहुत मजा आया नानी से मिलके? यस, ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब इतने टाइम के बाद। हाँ तो चलो चलो, आप लोग इंजॉय करो नानी के साथ। तो आज का दिन तो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। हम हाँ तो हाँ बहुत सारी मस्ती करेंगे, तो चलो करो इंजॉय। A few moments later. यश ना, तुमने धोनी को गोदी में कैसे ले रखा है, क्या हो गया? बहुत रो रही है अभी ये धोनी, यहाँ पे सो ही गई, जिन्नी ने इसको उठा दिया। मैंने कुछ नहीं उठाया, मैं फ्रेंड्स से बता रही, मैंने नहीं उठाया इसको, मैं इसके पास आ रही, बस लेटी थी, मैंने इसको नहीं उठाया, बस इसको हग किया। तो हग करके वो उठेगी नहीं, उसको अगर छेड़ोगे उसकी नींद में से, तूने क्यों उठाया उसको? मैंने नहीं उठाया उसको, मैं बहुत पिटाई लगाऊंगी। यश ना, तुम कहती रहती हो, मतलब पिटाई तो लगाती नहीं हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बच्चों को नहीं मारना चाहिए फ्रेंड्स, बच्चों को वैसे मारना नहीं चाहिए। और इसमें लेकिन तुम कह रही हो कि धोनी रो रही है, वो तो मतलब सो रही है, रो नहीं रही, सो रही है, रो रही है। धोनी मतलब क्या हुआ आपको? मैं इसकी पिटाई लगाऊंगी ना, उसके एक्चुअल में कोल्ड भी हो रहा है बहुत ज्यादा ना, उसको कोल्ड, तो कोल्ड की दवाई दी उसे या नहीं दी? दवाई दे दी, इससे कह रही नेबुलाइजर की दवाई है। जी नहीं मतलब तू कुछ नहीं कर सकती क्या? मुझे पैसे दो, पैसे क्या? पैसे भी नहीं पता कहाँ रखे हैं। जिनी जिनी फटाफट से मम्मी के पर्स में पैसे लेके आओ और दवाई लेने जाओ। जिनी मतलब मुझे लग रहा है तेरे को देख के ना उसको ना इतनी दिक्कत हो रही है कि जैसे एलर्जी होती है ना वो हो गई है। एलर्जी हो गई है उसको तेरे साथ। फ्रेंड फ्रेंड, आपने कभी जिनी का ऐसा फेस देखा है? जिनी फटाफट से उठो, मैं 2 तक काउंट कर रहा हूँ, आप उठ जाने चाहिए क्योंकि मुझे धोनी की मेडिसिन फटाफट से चाहिए। 1 जिनी तूने सही किया, लेकिन तूने 2 से पहले उठ गई क्योंकि मुझे काउंटिंग ही सिर्फ वहां तक आती है। जाओ जल्दी से, चलो लेकर आओ, चलो। अरे उसे बता दो कौन कौन सी मेडिसिन लानी है। उसको पता है, जूलियन और जूट को ही आना। सुन लिया ना तूने, फटाफट से पैसे ले और जा। और धोनी आपको हुआ क्या जरा मुझे बता दो। अभी उसका मूड नहीं है, तो प्लीज उसे ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, फटाफट से दवाई लाते हैं और हम इसको नेबुलाइज करते हैं। A few moments later. तो ध्वनी क्या हो रहा है? अरे आपकी छोटी किसने बनाई इतनी प्यारी सी? ये तो नानी ने, ध्वनी के हेयर्स तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो गए। नानी तुझे पता है मेरी कस कस के छोटी बनाती थी, टू टू कस कस के कैसे बनाती थी, कस कस के। अच्छा दिखा तू अपने फ्रेंड्स को कितने गुथा रहे हैं। 1 2 3 4 5 गुथा रहे हैं आपके, एंड आपकी बहुत लंबी छोटी हो गई है। तो ध्वनि को लॉन्ग हेयर पसंद है, शॉर्ट हेयर? लॉन्ग। तो ध्वनि और लॉन्ग करेगी? Yes. तो ध्वनि कितनी हैप्पी हो रही है आज? क्यों? आप ही पढ़ो, मम्मी पढ़ो। मैं पढ़ू? क्या है? गेस्ट इन लंदन। ये क्या है गेस्ट इन लंदन? मूवी है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक बात बताती हूँ, ध्वनि के फिर से कोल्ड हो गया है और मुझे आज इसको फिर से डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। नहीं मम्मा, फिर नहीं मम्मा शुरू हो गई है। है नेबुलाइज तो कर लोगे बेटा, लेकिन डॉक्टर को दिखाना भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बोलो कि ध्वनि डॉक्टर के जाओ जल्दी से। आपकी छोटी कैसी लग रही है? आपकी छोटी बहुत प्यारी लग रही है। तो चलो हम इसको डॉक्टर के भी लेके जाते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, बच्चे मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे नानी के साथ। आज फुल मस्ती होने वाली है। यस। A few hours later. फ्रेंड्स, ध्वनि सो गई है और मैं सो के उठ गई हूँ। मैंने अभी देखा है ध्वनि ने क्या बनाया है। ये ध्वनि ने अपना पिकी बैंक बनाया है। देखो कैसा पिकी बैंक ही बनाया है, सारे में नेल पेंट ही नेल पेंट उसने फैला रखी है। मुझे लग रहा है सारा उसने नेल पेंट से किया है।
और ध्वनि भी लिखा हुआ है, देखो फ्रेंड्स ये देखो, और इसमें इसने आई थिंक पैसे भी डाल दिए, देखो दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना? और ये टेप से उसको लॉक कर दिया मैडम जी, खोलेंगे कैसे अगर टेप से उसको लॉक कर दिया है तो, बट बहुत क्यूट लग रहा है, पता नहीं ये लड़की भी ना क्या क्या करती रहती है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ, और हाँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का बटन कैसा होना चाहिए? ग्रे, अगर रेड है तो ग्रे कर दो, ग्रे है तो उसको बिल्कुल मत छेड़ना। तो चलो ये देखो कितने सारा कलरफुल इसने बनाया है। जी तुझे कैसा लग रहा है? मुझे एकदम बढ़िया लग रहा है, पर अभी भी मेरे को समझ नहीं आया तूने बनाया क्या है। अभी मैंने क्या बताया, तेरे कानों में तेल डाल लो जी, थोड़ा सा अपने कानों में तेल का प्रयोग करें, क्योंकि ये उसने बनाया पिकी बैंक, देख साफ साफ क्लियर दिख रहा है, यहाँ कट है, पिकी बैंक बनाया है। हाँ, और देखो उसने इसमें पैसे भी डाल दिए, निकल जाएंगे निकल जाएंगे, मत कर मत कर मत कर, टॉय भी डाल रखा है, टॉय भी डाल रखा है, रिंग डाल रखी है। अरे हाँ, और उसको देख लॉक कर दिया है यहाँ से कि कोई उसके पैसे चोरी ना कर दे। क्या दिमाग लगाया लड़की ने, वेल डन ध्वनि, गुड जॉब। बट ध्वनि अभी सो गई है, उसको कोल्ड काफी हो रहा है, अभी मैं उसको नेबुलाइज करती हूँ, फिर शाम को डॉक्टर के लेके जाती हूँ। A few hours later. जिनी हम कब से दवाई का वेट कर रहे थे और तू इतनी धीरे धीरे आ रही है? ये तो कोई बात नहीं है, मम्मी को दो, चलो मम्मा ये ले, मैं भाई आया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत वेलकम। ये स्नैक बात बताओ, मम्मी जी आई हुई हैं, उनका कुछ ध्यान रखना है या नहीं रखना है? मैं चाय बना तो रही हूँ इतनी गर्मी में, सिर्फ चाय? तो वो चाय बना, यार ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब ना कोई समोसे ना कोई स्नैक्स, मतलब मम्मी जी के बहाने हमें भी खाने को मिल जाएगा। मतलब धोनी की तबीयत खराब है, डिनर के लिए बाहर चलेंगे? धोनी तो सही हो जाएगी, धोनी को तो बाहर चाहिए, वो बाहर घूमते ही सही हो जाएगी, देखना उसको कोल्ड हो रहा है, नेबुलाइज कर दे सारा कोल्ड निकल जाएगा, डॉक्टर से मेडिसिन। तो मतलब खाली खाली चाय पिलाओगी या कुछ साथ में नमकीन भी होंगे? बिस्किट ये सब सारा जो घर में स्नैक्स है वो लगा दूंगी, सारा घर में स्नैक्स। तो फ्रेंड्स आप देख लेना कि हमारे घर में कितना सारा स्नैक्स है। ओ वाओ धोनी, मुझे दिखाई तूने क्या बनाया है? गुल्लक। मैंने आप जब सो रहे थे ना, मैंने आपके फ्रेंड्स को दिखाई। बेटा जो ध्वनि बनाती है ना वो चीज होती सुंदर है। क्यों लगाई है? ये लॉक है ध्वनि। इस गुल्लक में कितने पैसे हो गए तेरे? 10 पैसे हो गए। दूसरी में ज्यादा है, इस वाली में कितने हुए? 10 ही हुए। दीदी तेरे को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी पॉकेट मनी, क्योंकि तू कुछ काम नहीं कर रही है, तू बैठ के बस मूवीज वगैरह देख रही है। सुबह से बैठ तो बैठी है, अब ऐश ना बेड पे तो बैठेगी, जमीन पे बैठेगी। ध्वनि ये ले मेरी तरफ से 10 रुपए। ध्वनि ये इसने गलत बात करी ना, तो ये ले तू ठीक है ना, इसे गुल्लक में डालो और फटाफट से डिनर टेबल पे आओ, फिर हम स्नैक्स करते हैं। ओके सीक्रेट बता। सीक्रेट हाँ, ध्वनि डेली आती है, कभी मैं से 50 रुपीज लेके गुल्लक में डाल देगी, कभी 100 रुपीज लेके गुल्लक में डाल देगी, कभी कभी 10-20 में भी मान जाती है, कभी 500 भी ले लेती है वो ऐसे। फ्रेंड्स आपको इसका रीजन पता है? नहीं पता तो मुझे बताओ। नहीं पता ना, मैं बताता हूँ, क्योंकि वो बिजनेस वुमेन है। यस वो बिजनेस वुमेन है, और उसने इतना सारा अपना पूरा जमा कर लिया, पूरा अच्छा खासा। मैं अभी बहुत सारे पैसे मम्मी के पास में और कम आ रही हूं, क्योंकि मम्मा ने इसलिए अपने पैसे दे ताकि फिर वो घूम ना जाए। हां मैंने सारे इसका ये ना चाय देख लो, कभी चाय ना निकल जाए। निकल ही जाती है, आपके ब्लॉग से भी कभी चाय निकल जाती है। ये लो इसका जी, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई है। आपने बनाई है? ब्लॉग में पता है मैंने बनाई है। ये कब किसके हाथ में है और कौन सर्व कर रहा है? सर्व करने का मतलब थोड़ा है कि चाय बनाई है। फ्रेंड देखो सबको पता है वो चाय वाले हैं। हाँ तो मैं चाय वाली हूँ, मैं चाय वाली हूँ फ्रेंड्स, मैं नहीं, मम्मी शेफ है, पापा वेटर है। लेकिन फ्रेंड देखो इसमें भी कमाल की बात है, शेफ को कभी टिप नहीं मिलती, टिप किसको मिलती है? वेटर को। तो देखो किसके पास ज्यादा पैसे आएंगे? मेरे पास। और फ्रेंड देखो मतलब एशला जी ने यहाँ से प्लेट खाली रखी है, कितना बचाया जा रहा है, और ये देखो 4-5 ये रख दिए, और थोड़ी सी नमकीन रख दी है,
तो मैं अभी आपसे जैसे लास्ट ब्लॉग में आपको बता ही रहा था कि मतलब हमारे घर का आपको नाश्ता दिखाई पड़ेगा। फ्रेंड बहुत सारा नाश्ता है लेकिन वेस्टेज होता है, सील जाता है, खराब हो जाता है, तो मैंने इसे ज्यादा नहीं लगाया क्योंकि मेरी मम्मी आई है, कोई गेस्ट भी आया है। फ्रेंड एक बात बताओ, अगर नाश्ता सील जाता है तो कोई मम्मी से ये पूछे वो फटता कब है पहले, अगर वो फटेगा तभी तो सीलेगा ना वो। अरे यार हम अपनी चाय पी। और फ्रेंड था, और एक फ्रेंड था, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। और हमने आपको उसका एक लेटर बताया था, वो लेटर अगर आपको पता करना है तो हमारा लास्ट वाला व्लॉग देखो। और अब आपको ये गैस करना है कि हम इंडिया में कहीं जा रहे हैं या फिर इंटरनेशनल किसी ट्रिप में जा रहे हैं। अगर आप गैस कर रहे हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। और अब हम ये नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ भाई जी, नहीं क्या कर रही है तू? पापा अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही हूँ। बड़ी जल्दी याद आ गई तेरे को? थैंक यू सो मच। पर तू कर क्या रही है? हॉलीडे होमवर्क कर रही हूँ, आईटी का ही कर रही हूँ मैं। आईटी? हाँ। आईटी फुल फॉर्म क्या होती है? आईटी की फुल फॉर्म कंप्यूटर। फ्रेंड्स आईटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर। आपको बताया आईटी की फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिन्हें आपकी कंप्यूटर टीचर का नाम क्या? थोड़ा तेज बोले आप। लविशा मैम, लविशा मैम, अगर आप हमारा व्लॉग देख रही हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं कि आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जिन्हें आप करके आ रहे हो होमवर्क में, वो बताओ। मैं एक प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, कैनवा प्रेजेंटेशन, हाउ कंप्यूटर नेटवर्क हैज इन्फ्लुएंस्ड इन आवर लाइफ। ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इन्फ्लुएंस्ड? INFLUENCED। वाओ, तो अब आप ये बना पाए या नहीं बना पाए? मैं बना रही हूँ, देखो फ्रेंड्स मैं अपना रिसर्च वर्क कर रही हूँ यहाँ पे। मैं चल तू छोड़, तू मैं रिसर्च वर्क करता रहने दे, मैं देखता हूँ धोनी क्या कर रही है। धोनी आप क्या कर रहे हो? मैं लिस्ट बना रही हूँ। किस चीज की? घूमने जाने की। घूमने कहाँ पे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं बताना कहाँ पे, ठीक है? फ्रेंड्स आपको पता है हैचिमल्स क्या है? अगर पता है, पता है तो कमेंट करके बताएं। हाँ आप बताओ। चलो अच्छा, ऐसा तुम्हें पता थी? हाँ पता थी। तो बताया क्यों नहीं तुमने? क्योंकि टॉयज आर एस से कितनी बार इन्हें दिलाया, आप भूल गए? मैं हैमलीज चलूंगी, मैं हैमलीज चलूंगी, अब हैमलीज याद आ गया। ध्वनि देखो वहाँ पे जो भी मिलेगा हम वहाँ से ले लेंगे। अगर वहाँ हैमलीज नहीं हुआ तो क्या करोगे? ऐसा ज्यादा वहाँ की बातें मत करो वरना बच्चों को पता चल जाएगा हम कहाँ जाने की सोच रहे हैं। ध्वनि व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री लाइक एंग्री बर्ड्स? हैचिमल्स की स्पेलिंग क्या होती है भाई? जिस जिसको पता है वो कमेंट कर दे क्योंकि मुझे नहीं पता हैचिमल्स की स्पेलिंग। हैच की क्या होगी? एच टी सी एच। ओ करेक्ट, तुम तो पढ़ी लिखी लग रही हो। है एच ए टी सी एच आई एम ए एल एस। यहाँ पे कहानी खत्म। एच ए टी सी एच आई एम ए एल एस। अब लिस्ट बन रही है कि हमें क्या क्या शॉपिंग करनी है और क्या क्या हमें वहाँ से लेना है। तो मुझे भी बहुत सारा सामान लेना है, मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। फ्रेंड की शॉपिंग सुन सुन के मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, तो मैं जरा इस ब्लॉग को थोड़ा सा यहीं पे पॉज करता हूँ। लेटर दैट सेम इवनिंग। तो फ्रेंड्स रात हो गई है और मैं ध्वनि को कर रही हूँ नेबुलाइज, कि उसको बहुत ज्यादा कोल्ड था, मैंने आपको बताया था ना। मैं भी चाहती हूँ जल्दी से सही हो जाए, बहुत परेशान हो रही थी, उसकी नोज है पूरी ब्लॉक हो गई थी, तो मुझे लगा उसको नेबुलाइज की बॉस हो रहा था, तो मैं उसको नेबुलाइज कर रही हूँ। और वी होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, तो इसलिए इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।